नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी है रीजनिंग की, और रीजनिंग में ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग जो है उसका वादा किया था आप लोगों से कंप्लीट कराने का, तो उसी की आज नेक्स्ट क्लास है। और नेक्स्ट क्लास क्या अभी स्टार्ट ही हुई है ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग, और इसी में फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है एनोलॉजी का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका किसका है? एनोलॉजी का। और उसमें आपका आज चलेगा टाइप थर्ड। इससे पहले दो टाइप हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है अगर ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग की, तो वो लोग देख लें। और जो लोग कंप्लीट करना चाहते हैं ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग की, ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग जो है वो हम एक बार पूरी की पूरी पढ़ लें, तो आपको पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी के साथ, क्योंकि अगर आपको ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग पढ़नी है पूरी, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी पढ़ सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, नहीं ढूंढ पाओगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट चैप्टर जो है ल्यूसेंट बर्बर रीजनिंग का, वो है एनोलॉजी का। तो एनोलॉजी का आज टाइप क्या है? टाइप थर्ड है, अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वो इंग्लिश से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को देखिएगा टाइप थर्ड आपका अल्फ़ाबेटिकल नहीं, ये जो है वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करने के सबसे पहले हम बता देंगे कि इस तरफ का जो संबंध आपस में एक दूसरे से होगा, ठीक है, आपस में एक दूसरे को जो पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे वही आंसर यहाँ पर आना चाहिए, वही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा जो इस टाइप के पैटर्न को फॉलो करता होगा, ठीक है, वही यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कि ट्रेन और ट्रैक में क्या संबंध होता है, ये आप लोग जान लीजिएगा कि ट्रेन और ट्रैक में संबंध क्या होता है, तो आप लोग क्या कर पाएंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जानिएगा सबसे पहले कि ट्रेन और ट्रैक में क्या संबंध होता है। तो ट्रेन जो होती है वो किस पर चलती है? बेसिकली आप लोगों को सभी को पता होगा कि ट्रेन जो होती है वो ट्रैक पर चलती है, ठीक है, पटरी जो होती है, पटरी उस पर चलती है, उसको ट्रैक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इस पर चलती है। अब बात आती है इसमें से यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा वो ऑप्शन कौन सा है इसमें, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगे जो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं, आपको सटीक उत्तर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन चार हैं कि आइडिया ब्रेन, बुलेट बैरल, वाटर बोट, फेम टेलीविजन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेन किस पर चलती है? ट्रैक पर चलती है, ठीक है, ट्रेन किस पर चलती है? ट्रेन पर चलती है। आइडिया कहाँ पर चलते हैं? ब्रेन में चलते हैं, ठीक है, आइडिया कहाँ चलते हैं? ब्रेन में चलते हैं। बुलेट बैरल से चलती है, बोट वाटर में चलती है, ठीक है, फेम टेलीविज़न के द्वारा मिलता है, टेलीविज़न, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पता लगाना है कि क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, ट्रेन ट्रैक पर चलती है जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ट्रेन जो है वो ट्रैक पर चलती है, ठीक है, ट्रेन जो ट्रैक पर चलती है या ट्रैक से निकलती है, ठीक है, ट्रेन जो है वो ट्रैक से होकर गुजरती है, ट्रेन से निकलती है। तो उसी तरीके से आइडिया जो होते हैं ब्रेन से होकर निकलते हैं, नहीं हो सकता, सेंस नहीं बन रहा है। बुलेट जो है बैरल से निकलती है, बुलेट का मतलब है गोली जो होती है वो बंदूक की बैरल जो नली कहते हैं उसको, उससे निकलती है। वाटर जो है बोट, तो यहाँ पर देख लीजिए वाटर बोट जिसका, यानी कि बोट जो है वो वाटर में चलती है, इसका भी नहीं, चलती तो है वाटर में, बोट चलती है, ठीक है। फेम टेलीविज़न, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा बुलेट और बैरल, जो बुलेट है वो बैरल से निकलती है, जिस तरीके से ट्रेन ट्रैक से चलती है, ट्रैक से होकर गुजरती है, उसी तरीके से बुलेट जो है वो बैरल से होकर चलती है। अगला देखिएगा यहाँ पर, रेक्टेंगल पेंटागन, ठीक है, रेक्टेंगल और पेंटागन, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए रेक्टेंगल और पेंटागन।
जब इन लोगों इन चीज़ों की आपकी नॉलेज होगी, ठीक है, जब इस तरीके से इनमें नॉलेज होगी तभी आप इसके जो वो होते हैं गुड़, एंड गुड़ कहिए हिंदी में, मतलब इसकी जो कुछ विशेषताएँ होती हैं तब आप मिला पाएंगे क्या क्या इसमें सिमिलरिटीज होती है और क्या इसमें डिफरेंस होता है, किस वजह से इस तरीके से ये संबंध है इसमें। तो आपको कुछ विशेषताएँ इनकी पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है, तभी आप बता सकते हैं। कुछ स्पेसिक विशेषताएँ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगल और पेंटागन, इसमें इसका क्या संबंध है आप लोग समझ लीजिएगा कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल उसको कहते हैं आयत को जिसमें चार भुजाएँ होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल कहते हैं आयत को जिसमें चार भुजाएँ होती हैं। पेंटागन किसको कहते हैं, पंचभुज को, ठीक है, पेंटागन में पंचभुज को कहते हैं जिसमें पांच भुजाएँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या रिलेशन इसका बन रहा है, इनका आपस में किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि रेक्टेंगल जो है वो पेंटागन से एक भुजा कम है, यानी कि रेक्टेंगल और पेंटागन, ठीक है, जिस तरीके से रेक्टेंगल में एक भुजा कम होती है पेंटागन से, उसी तरीके से इसमें आपको ऑप्शन ढूंढना होगा कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, साइड एंगल, साइड तो भुजा होती है, एंगल कोण होता है, कोई सेंस नहीं, कटाओ, खत्म करो इसको, हटाओ। उसके बाद में डायगोनल, पेरीमीटर, इसका भी कोई सेंस नहीं, परिधि और विकर्ण, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। ट्राइंगल, रेक्टेंगल या नन ऑफ दीज, अब बचते हैं दो आपके पास, ट्राइंगल या नन ऑफ दीज, ये भी खत्म। अब आपके पास बचता है ट्राइंगल या रेक्टेंगल होगा या नन ऑफ दीज, इसमें से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्राइंगल में क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, रेक्टेंगल में चार भुजाएं होती हैं। जिस तरीके से पेंटागन से एक भुजा कम रेक्टेंगल है, उसी तरीके से रेक्टेंगल से एक भुजा कम ट्राइंगल होता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉकी गेम, यानी कि हॉकी क्या है, हॉकी एक तरीके का गेम है, ठीक है, तो यह रिलेशन होना चाहिए आपस में कि हॉकी क्या है, एक तरीके का गेम है, ठीक है। उसी तरीके से बुक, रीड, कोई सेंस नहीं, बुक तो पढ़ते ही हैं। किंग, रूल, किंग शासन करता है, कोई नहीं। लैटिन, लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉकी एक तरीके से जिस तरीके से गेम है उसी तरीके से लैटिन जो है वो एक लैंग्वेज है। हॉकी क्या है, इंडिया का खेल है, उसी तरीके से लैटिन क्या है, एक भाषा है। फ्यूरी एयर का जो इस तरीके से फ्यूरी एयर संबंध है उसी तरीके से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है आपको लोगों को, वोकैबुलरी आती है बढ़िया तरीके से, तो आप लोग अच्छा प्रयास कर सकते हैं इसमें, अच्छा अपना आउटपुट दे सकते हैं, अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूरी एयर, जिस तरीके से इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है उसी तरीके से यहाँ पर देखना है किसमें एक ही अर्थ निकलेगा। तो जिस तरीके से फ्यूरी एयर का एक समान अर्थ निकलता है उसी तरीके से स्पैस्म और कन्फ्यूजन का एक ही अर्थ निकलता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसको तो आप लोगों की वोकैबुलरी बढ़िया होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी और मिडिल, ठीक है, प्राइमरी और मिडिल इसमें क्या संबंध बनता है। देखिए, प्राइमरी क्या होता है, जिस तरीके से प्राइमरी, प्राइमरी स्तर, फिर मिडिल स्तर, फिर ठीक है स्टैंडर्ड लेवल, मतलब प्राइमरी मिडिल उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्तर की बात की हो रही है, स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, प्राइमरी से मिडिल, ठीक है, मिडिल से हाई, इस तरीके से। तो यहाँ पर किंग से क्वीन, कॉलेज से स्कूल, कैप्टन से मेजर, डॉक्टर से नर्स, डॉक्टर से नर्स उल्टा गलत, किंग से क्वीन गलत, कॉलेज से स्कूल गलत, क्या बन रहा है, कैप्टन से मेजर, क्योंकि कैप्टन से ही इसमें कैप्टन से रैंक बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि कैप्टन के बाद कैप्टन के ऊपर क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। इस तरीके से आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है एनर्जी डिसिपेट, जिस तरीके से एनर्जी डिसिपेट से संबंधित है उसी तरीके से इसमें चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है, कौन सा किससे संबंधित होगा, ठीक है। एनर्जी डिसिपेट, फूड, टेम्परेचर, पावर जनरेटर, मनी स्क्वेंडर, एटम एक्सप्लोजन, चार्ज और बैटरी। तो एनर्जी जिस तरीके से डिसिपेट से संबंधित है उसी तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मनी स्क्वेंडर, ऑप्शन सी आपका, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है।
अब बात करते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन थे टाइप थर्ड में, इसी टाइप के बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अगले टाइप में टाइप फोर की, ठीक है। अब बात करते हैं एनोलॉजी में टाइप फोर की, जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखिएगा। तो टाइप फोर जो है वो आपका है नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम इसको देखेगा। इस दोनों में जैसे कि जो संबंध इन दोनों का है वही संबंध आगे वाले के साथ आगे वाले का होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखना है, जैसे कि 20 और 11 जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न को आगे वाला भी जो नंबर है वो भी फॉलो करना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए 20 11 किस तरीके से आपस में संबंध रखते हैं, किस तरीके से रिलेटेड है, क्या पैटर्न है इनके बीच का। तो क्या पैटर्न बन रहा है इस टाइप के पैटर्न में, क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले गुणा देखना है, प्राइम नंबर देखने हैं, ठीक है। क्या क्या देखना है इसमें आप लोगों को, आपको प्राइम नंबर देखने हैं, स्क्वायर देखने हैं, मल्टीप्लिकेशन देखना है, डिवीजन देखना है, ठीक है। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, किस ऑपरेशन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है, या कोई स्क्वायर है, या ऑड नंबर का स्क्वायर है, इवन नंबर का स्क्वायर है, किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें नंबर में इसमें देखने की, यानी कि नंबर सिस्टम की टाइप का है। तो ये चीज़ें आपको अगर देखनी है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे पढ़ सकते हैं। और कुछ इलॉजिकल भी पैटर्न आपको मिलेंगे, वो आपको अपनी तरफ से पता करने होंगे, फाइंड करने होंगे कि इलॉजिकल पैटर्न क्या है, उसको किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो बनाइएगा, अगर 2 में गुणे 4 इस तरीके से करते हैं तो नहीं बनता है 9। देखिए अगर 20 में से 11 घटाते हैं 9 बनते हैं, आगे फिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। तो यहां पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए 10 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा है 20, 10 में प्लस 1 करने पर क्या बन रहा है 11। ये समझिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका लॉजिकल टाइप का यहाँ पर लग गया है। 10 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है 20, 10 में प्लस 1 करने पर बन रहा है 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका लॉजिकल टाइप का लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो पैटर्न वही फॉलो करना है, 2 का गुणा करेंगे किसमें, जो 102 बन जाए। 2 का गुणा किसमें करेंगे, 2 का गुणा जब हम 51 में करेंगे तब ये बन जाएगा 102, ठीक है, और फिर 51 में प्लस 1 जोड़ेंगे तब ये बन जाएगा 52, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड आपका हो जाएगा 52 यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये लॉजिकल टाइप का था, अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका गलत फंस गया भाई, आगे देखिएगा। अब आइए क्वेश्चन है ये, जैसे कि 3 का 3 243 के साथ जो संबंध है वही 5 का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब जैसे कि अभी हमने बताया था स्क्वायर देखनी है, क्यूब देखना है, स्क्वायर रूट देखना है, क्यूब रूट देखना है, प्राइम नंबर देखना है, ऑड नंबर देखना है, इवन नंबर देखना है, ठीक है, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे आपको ऑपरेशन इसमें देखने, क्या क्या इसमें फॉलो कर रहा है, क्या क्या किस तरीके से ये होगा, कौन सा
इस पर काम कर रहा है, ऐड काम कर रहा है, सब्ट्रैक्शन काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है, डिवीजन काम कर रहा है, क्या चीज़ इसमें काम कर रहा है, वो सब देखने हैं आपको यहाँ पर। तो सब देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको, हाँ, और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, नंबर एक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 15 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है इन पर पकड़ बना पाएंगे थोड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन का जो 243 के साथ संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि तीन है, ठीक है, तीन की अगर पावर हम 5 कर दें तो ये 243 बन जाता है, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि तीन की पावर 5 करेंगे तो ये 243 बन जाता है। उसी तरीके से जब हम 5 की पावर भी 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 5 की पावर 5 करने पर यहाँ पर बनेगा 3125, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 3125। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला है देखिए, क्वेश्चन है 18, 36 और 36 के बाद लाएंगे कौन सा नंबर होगा, जिस तरीके से 18, 36 से रिलेटेड है उसी तरीके से आएंगे क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बनेगा, 18 में 12 जोड़ने पर 30 बनता है, ठीक है, इसी तरीके से 36 में 12 जोड़ने पर देखिए ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, मतलब कि ऑप्शन नहीं है, और ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन डिपेंडेंट भी होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, तो इसको करेंगे, इसमें बन रहा है 18 × 2 = 36, 18 × 2 = 36 और 36 − 6 = 30 बन रहा है। इसी तरीके से देखिएगा 36 × 2 = क्या बनेगा 72, 36 × 2 = क्या बनेगा 72, ठीक है, 72 − 6 करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 66, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 66 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहां पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, नंबर एकदम से घट रहा है, ठीक है, आप ये देखिएगा कि जब नंबर एकदम से ज़्यादा वैल्यू एकदम से घटकर कम हो जाए, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करना है, कि इसमें हो सकता है डिवीजन अप्लाई हो रहा हो कहीं पर डिवीजन वाला मेथड, और ये हो नहीं सकता, कभी कभी क्या होता है, यानी कि ये कहिए ये इसके चांस ज़्यादा रहते हैं कि डिवीजन वाला जब आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, तो नंबर एकदम से कम हो रहा है, ठीक है, जब नंबर एकदम से कम हो रहा है तो हमको क्या करना है, डिवीजन वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है, तो डिवीजन वाला अप्लाई करना है, तो इससे क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे डिवीजन वाले मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 से एकदम क्या हो जा रहा है 3, ठीक है, 21 से एकदम क्या हो जा रहा है 3, 21 में 7 का भाग देंगे तो क्या बनेगा 3, अब इसमें भी 7 का भाग दीजिए तो क्या बनेगा 7, 8, 56 और 7, 2, 14, 7, 8, 56, 7, 2, 14, यानी कि 82 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको नंबर एकदम से घटते हुए नजर आए, एकदम से कम हो गए, घट गए हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए डिवीजन वाले मेथड को, ठीक है, उसके बाद में कुछ और चेक करना चाहिए अगर ना मिले उससे आंसर। अब ये क्या है, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 42-20, ठीक है, 42-20 का जो संबंध बन रहा है वही 64 का किसके साथ बनेगा, देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, देखिएगा, यानी कि नंबर देख सकते हैं आप आधे से भी कम है, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, नंबर को आप देखिएगा कि आधा हो गया, जस्ट आधा हो गया, जस्ट आधा हो गया, मतलब कि इसमें धोखा भाग दिया गया, धोखा भाग दिया गया, जस्ट आधे से एक भी कम है, यानी कि धोखा भाग देकर एक कम कर दिया गया, धोखा भाग देकर एक कम कर दिया गया, तो इसमें भी धोखा भाग देंगे एक कम कर देंगे तो क्या होता है 32 × 64, 64 यानी कि 32 आएगा, 32 में से एक कम कर देंगे तो 31 आपका हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 32 − 1 = 31 हो जाएगा आपका, इस तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर,
यहाँ पर देखिए क्या है, 11 का स्क्वायर 121 डायरेक्ट दिख रहा है। स्क्वायर आपको याद है तो अच्छी बात है, तो आप जल्दी कर पाएंगे। नहीं याद है तो याद कर लें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 21, ठीक है, ये है 11 का स्क्वायर 21 और ये 12, ठीक है। 11 का 21, 11 का स्क्वायर 121 और 11 से एक बड़ा नंबर 12। अब ये कितने का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, इससे एक बड़ा नंबर क्या लेंगे, 6। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला है,